क्रेजी मेथड स्टडी फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट करें, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं अपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज के वीडियो में लोग देखने वाले गुजरात रिफाइनरी क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जाम 25 जनवरी 2019 को हुआ था। इसका आज पार्ट 5 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंप्रेसर यूज इन गैस टर्बाइन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ जो गुजरात रिफाइनरी में पूछा गया था, वो टाइमिंग बेल्ट पर है। तो बिल्कुल देखिए, उससे आपको कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और इमेज भी इंक्लूड किया हूँ हर एक क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल देखिएगा। ये सब भाई हैं जो हमेशा अच्छे अच्छे आंसर देते रहते हैं, आप भी इसी प्रकार से आंसर दे सकते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू एन, एन के पावर 2, एन के पावर 3, एन के पावर 4। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एन हो जाएगा। कैसे होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्यू इजिकल टू ए इंटू वी होता है। ठीक, तो क्यू इजिकल टू ए इंटू पाई डी एन बाई 60 होता है। तो वी का जो हमने लिखा है, वी को क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। ठीक, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, और एन जो है इसमें वही हमारा आरपीएम है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा हो गया आरपीएम से, तो डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर डॉट 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 प्रेशर एंड डॉट 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 डिस्चार्ज, हाई हाई, लो लो, हाई लो या फिर लो हाई। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लो हाई हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप है लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज यूज फॉर डॉट 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 प्रेशर एंड डॉट 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 डिस्चार्ज, हाई हाई, लो लो, हाई लो या फिर लो हाई। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाई लो हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है हाई प्रेशर थी फॉर हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इधर से सक्शन हुआ और इधर से कंप्रेस होने के बाद इधर डिस्चार्ज हो गया। तो हमेशा इसका फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहता है और बिल्कुल लो रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसमें। टाइमिंग पुल्ली हैविंग 29 टीथ एंड एयर फिन व्हील हैविंग टीथ 192 एंड द मोटर हैविंग 1500 आरपीएम, देन द स्पीड ऑफ फिन कूलर इज 720 आरपीएम, 540 आरपीएम, 420 आरपीएम या फिर 226 आरपीएम। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल सॉल्यूशन करवाऊँगा बहुत अच्छे से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 226 हो जाएगा। तो पहले देखिए कि एयर फिन कूलर में जो हमारा टाइमिंग बेल्ट लगता है वो किस प्रकार का होता है। तो कुछ इसी प्रकार का आपको टाइमिंग बेल्ट रहता है, जिसमें हमारा क्या रहता है कि हमारा बेल्ट पे भी टीथ बना हुआ रहता है और जो हमारा गियर है उस पर भी टीथ बना हुआ रहता है। ठीक है, पुल्ली और बेल्ट दोनों पे टीथ बना रहता है। तो आप देखिए सॉल्यूशन इसका, तो T1 इज इक्वल टू 29 दिया था, T2 इज इक्वल टू 192 दिया था, N1 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम दिया था, तो N2 इज इक्वल टू हमको निकालना था। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, T1N1 इज इक्वल टू T2N2, तो 29 गुना 1500 इज इक्वल टू 192 गुना N2, तो आपको N2 का वैल्यू 226.5625 हो जाएगा। तो इसका जब भी हमारा जो टीथ होता है टाइमिंग पुल्ली या बेल्ट का, दोनों में से किसी का भी, तो हमेशा पूरा पूरा नंबर में होता है, 226.5625 ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 226 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बियरिंग यूज्ड विथ हैवी रोटर इज बॉल बियरिंग, नीडल बियरिंग, जर्नल बियरिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनरल बेयरिंग हो जाएगा। तो जनरल बेयरिंग किस प्रकार का होता है,
तो आपको कुछ इस प्रकार का जनरल बेयरिंग देखने को मिल जाएगा। जर्नल मतलब शाफ्ट होता है फ्रेंड, और बियरिंग इसके अंदर में जो लगा रहता है जिस पे हम शाफ्ट को माउंट करते हैं उसको बियरिंग बोलते हैं। ये हमारा देख लीजिए पूरा इमेज आपको दिख रहा है कि कहाँ पे जर्नल है कहाँ पे शाफ्ट है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहाँ पे बियरिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड बियरिंग, बॉल बियरिंग, नीडल बियरिंग, जर्नल बियरिंग या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आपका समय शुरू होता है, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका राइट आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। फ्रेंड आप हमारा क्रेजी मेथड स्टडी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट PDF और बहुत सारा नोट्स प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इसका लाइक टारगेट 20 रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।